दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 महत्वपूर्ण फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि केंद्र सरकार ने 30 मार्च 2021 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया था और उस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम 2021 जारी किए थे। इन पेंशन नियमों के अनुसार एनपीएस में कवर्ड लाखों सरकारी कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण कागजात सबमिट करने होते थे, उन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, जो कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भरना बहुत ज़रूरी है और इसका नाम यहाँ पर है ऑप्शन फॉर्म, जिसमें कहा गया है कि यदि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 जो है उसके तहत ही फैमिली पेंशन या फिर एनपीएस के तहत फैमिली पेंशन लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये फॉर्म हर एक एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के रूप में एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी के परिजनों को पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो भी कर्मचारी है उसे ये ऑप्शन के अनुसार ही फायदे दिए जाएंगे। इसलिए एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को जो फॉर्म नंबर 1 है वो बेहद ज़रूरी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बार सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि ये ऑप्शन फॉर्म है जो कि एनपीएस रूल 2021 जो जारी हुआ उसके रूल नंबर 10 के अनुसार है, जो कि एनपीएस में कवर्ड हर एक सरकारी कर्मचारी को फिल करना है। तो ये पहला और महत्वपूर्ण है फॉर्म नंबर 1 जो कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसमें सारी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी है और इसे भरकर आपको सबमिट कर देना है आपकी जो कंट्रोलिंग सेक्शन है उसमें। उसके बाद में जो फॉर्म नंबर 2 यहाँ पर है ये एनपीएस कवर्ड में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों की जो डिटेल्स ऑफ फैमिली है उसके बारे में है कि हमारे परिवार में कौन कौन मेंबर हैं। इसके लिए एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को इस फॉर्म में उनके फैमिली की जो डिटेल्स है वो पूरी तरीके से भरनी है, किसको यहाँ पर आप फैमिली मेंबर्स में का फैमिली मेंबर्स के तहत फ़ायदे दिलवाने चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर ज़रूर भरनी है। इसमें सारी डिटेल जो मांगी है फॉर्म की मैं ये आपको भर के सबमिट कर देनी है। तो ये फॉर्म नंबर 2 है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर फॉर्म नंबर 3 की, जो कि एनपीएस पेंशन रूल नंबर 16 के तहत यहाँ पर, और ये है फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट का ये फॉर्म है जिसमें जानकारी फिल करनी है। और उसके बाद में बात आते हैं यहाँ पर फॉर्म नंबर 4 की। तो जो फॉर्म नंबर 4 है इसमें 5 फॉर्म हैं यहाँ पर हैं जो कि अलग अलग हैं और सभी की जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म ए है 4A, इसमें कहा गया कि फॉर्म ऑफ लेटर टू द अकाउंट्स ऑफिसर ड्राइंग द विड्रॉल पेपर्स ऑफ ए सब्सक्राइबर अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन सुपरवेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और प्रीमैच्योर रिटायरमेंट और स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये यहाँ पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्म है। और हालांकि ये जो फॉर्म है ये सरकारी कर्मचारी को फिल नहीं करना है, ये सरकारी कर्मचारी की यदि रिटायर होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर भी रिटायर हो जाता है तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उसे ये फॉर्म भरना है। उसके बाद में फॉर्म 4B यहाँ पर है ये भी भरना है, ये भी आपके जो HOD हैं उन्हें भरना है। लेकिन फॉर्म नंबर जो 4 है इसमें 5 फॉर्म्स हैं जो कि खासतौर से आपकी जो ऑफिस है उसके द्वारा इनको प्रोसेस किया जाएगा, उनके द्वारा भरा जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्म हैं वो सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बाकी लास्ट के जो फॉर्म 4A, B, C, D, E हैं ये सरकारी कर्मचारी की ऑफिस के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट governmentemployeescorner.in को चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए इन फॉर्म्स को अपने पास में रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये कभी भी उनके काम आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको व्हाट्सएप पर ये फाइल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो से भी हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं।